देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, बस भूषण तो इतने कांड कर रहा है, वो घर में जैसे सो रहा बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो अभी बने हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्त सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है, इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहे, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दुर्दशा करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग वो इंजर्ड हुए आप लोगों के साथ? तो एक को तो इधर से फटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी के तभी हमने भगा दिया। अरे भाई को भी खून लिया, भाई बैठा हुआ इसको टकरा रहे हैं, सिर फूटा इसको जाने नहीं दे रहे। एक हमारा भाई उठा ले गया था, उसको पता ही नहीं वो कहाँ है कैसा है। दो जी नशे में भी था यहाँ पर, हाँ एक ड्रिंक कर रहा था। हमने उनको बोला सर हमारे आगे टेस्ट करा दिए, लेकिन वो जबरदस्ती उसको लेके गए हैं कि हम अपने आप करवा लेंगे इसका टेस्ट, आप एफआईआर दर्ज कराइए इसके खिलाफ। एक और वो एसपी कौन था जो आंख दिखा के धमकी दे रहा था कि मैं देख लूंगा तुम, मेरे से मत बोल, रविंदर नहीं था वो, दूसरा एक और आया था, प्लेट ना लगवा रहा था, प्लेट ना ही वाकर, प्लेट ना ही वाकर, वो निकलवा के ले आए ताकि मेरा नाम ना पता लगे, वो मोटा सा था, वो देखते ही पहचान लेंगे हम उसको। पुलिस इतनी बदतमीजी क्या कर रहे हैं, मतलब जब लड़की आती, अगर हम लड़की आती तो